आज की एक बड़ी और अहम खबर जिसे हर भारतीय के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये खबर है गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने व धोखाधड़ी के आरोप को लेकर। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको आगे। अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य पर सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से 2 अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अडानी समूह के मुखिया उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए अपने पक्ष में शर्तें रखने के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर यानी करीब 21 अरब डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद एक बार फिर से अडानी समूह पर नए आरोप लगे हैं। सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का ताज़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से 2 अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि यह सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया जिनसे अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। अडानी समूह से संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क किया गया लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने बयान में कहा, प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत साजिश रची। विभिन्न कारोबारों से जुड़े अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे एवं अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी और कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO रहे विनीत जैन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और वायर धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया है। अडानी पर अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के एक दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। अभियोग में सागर और जैन पर संघीय कानून तोड़ने के भी आरोप लगाए गए हैं। अब आपको बताते हैं ताजा विवाद का समूह पर क्या असर पड़ सकता है। अडानी समूह पर ये आरोप उसे फिर से समस्याओं में डाल सकता है। इससे पहले अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे जिससे वह अभी उभरा ही नहीं था। इससे पहले अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे जिससे वह अभी उभरा ही था। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था। इन आरोपों के कारण समूह के बाजार मूल्यांकन में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि समूह उससे उबर गया और कंपनियों के शेयरों में जो नुकसान हुआ था उसकी काफ़ी हद तक भरपाई कर ली गई। अदालत के दस्तावेज के अनुसार विशेष रूप से 17 मार्च 2023 को या उसके आसपास FBI संघीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने अमेरिका में सागर अडानी से संपर्क किया और तलाशी वारंट के तहत उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें जैसे ही ये खबर सामने आई तो भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया और अडानी समूह के सभी शेयर 15% से 20% तक डाउन हो गए। हो ना हो, लेकिन इस खबर ने अडानी समूह के निवेशकों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। आप भी कमेंट में बताइए क्या कहते हैं आप अडानी समूह पर लगे इन आरोपों के विषय में। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 भारत।